भारत में शहर कायद के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो कि तकरीबन 400 साल पुराना कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र मौजूद है जिसकी लंबाई 11 फीट है और वो एक 12 साल के बच्चे की है। जब इस कब्र पे कोई पानी वगैरह डालते हैं तो उसके वालिद साहब आते थे हमारे पास कि यार इस पे पानी नहीं डालो, तो ये मेरे ख्वाब में है, मुझे सोने नहीं देता है। वो हमारे अब्बा को कहते थे कि यार जब किसी को जो ना पानी डालने नहीं दो, ये मुझे रात में सोने नहीं देता है। अबू पेज अक्सर ये सिपली वाले आते हैं, औरतें भी आती हैं ताबीज़ वगैरह दफनाने, मर्द भी आते हैं। मैंने देखा, मैंने अपने आंखों से देखा कि वो बंदा माशाल्लाह ऐसे ही सो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महान ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर कायद के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो कि तकरीबन 400 साल पुराना कब्रिस्तान कहा जाता है। वैसे तो आपने कब्रिस्तान से वाबस्ता बहुत से किस्से और कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन आज जो वाकया मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबको हैरान कर देगा। इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र मौजूद है जिसकी लंबाई 11 फीट है और वो एक 12 साल के बच्चे की है। सोचने वाली बात यह है कि एक 12 साल के बच्चे की कब्र की लंबाई 11 फीट कैसे हो सकती है? क्या वाकया है, क्या मामला है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ शाहनवाज साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान में पिछले 30 से 35 सालों से हैं और उनके वालिद साहब ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कब्रिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए गुजार दी। शाहनवाज भाई, बताइएगा कि ये जो कब्र का वाकया है ये कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था? ये जो कब्र का वाकया हुआ था इसको तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 40 साल के करीब तो हो गए। ठीक है, तो इसका तो ये है कि जैसे इनका मस्त बच्चा था ये 12 साल का, तो जब इनका इंतकाल हुआ तो जैसे 12 साल के बच्चे की कब्र होती है वो तैयार की, तो इस तरह करके ये आधे घंटे बाद इनके घर वाले दोबारा आए कि यार उनका कद बढ़ गया है, तो इस तरह करते करते ये 10 फीट की कब्र बन गई, मतलब उनका कद हो गया 10 फीट। तो उसके बाद जब जनाजा लेकर आए तो कब्र इनकी बनाई 11 फीट, तो ये माशाल्लाह 11 फीट में ये फिक्स हो गए, पूरे हो गए। तो ये 12 साल का मस्त बच्चा था, ये यहीं लियाकत चौक में ही रहते हैं, फिर इनके वालिद साहब भी आते थे, उनका भी इंतकाल हुआ, इनके भाई हैं उनका भी इंतकाल हुआ। तो उसमें ये था कि जब इस कब्र पे कोई पानी वगैरह डालते तो उसके वालिद साहब आते थे हमारे पास कि यार इस पे पानी नहीं डालो, तो ये मेरे ख्वाब में है, मुझे सोने नहीं देता है। मेरे ख्वाब में आता है कि मैं नीचे पड़ रहा होता हूँ, इनको बोलो मुझ पर पानी ना डालें। तो ये तो इस कब्र के वाकयात हैं, मामलात हैं। अच्छा, एक और कब्र इन्हीं के ख़ानदान की, तीन कब्रें ऐसी मौजूद हैं जिनके साथ ये सेम जो है वो वाकया पेश आया, क्या तीनों का ही इंतकाल कम उम्री में हुआ था? ये तीन, तो एक तो इनके मामू की है, उसका तो खैर मुझे नहीं पता, दो कब्रें हैं फ़िलहाल, एक तो ज़ुबैर बाबा की अपनी है, एक इनके अभी नवासे का जो हुआ है, तो उनका नवासा या पोता है शायद, तो अभी 6 महीने का बच्चा था जब इंतकाल के बाद, फिर इनका उनका भी कद थोड़ा बढ़ा, लेकिन वो कब्र अभी माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे 2 से 2.5 साल के बच्चे की कब्र बनी है। तो ये इसकी वजह क्या है, क्या और भी इस तरह के जनाजे आते हैं जिनका कद जो है वो मरने के बाद बढ़ जाता है? बढ़ तो जाता है लेकिन इतना नहीं होता, नॉर्मली जैसे लोग आते हैं हमारे पास 5 फीट का बंदा है तो 5.5 फीट में बंदा कब्र में आ जाता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये तो खैर अल्लाह पाक का मौजज़ा है। ये इनका तो अभी ये तो मस्त बच्चा था, मलंग बच्चा था, अल्लाह के हो सकता है बहुत करीब हो, नज़दीक हो, और यहाँ अल्लाह पाक ने के उससे कि इस पर काफ़ी लोग आके दुआ भी पढ़ते हैं और कुछ लोगों के अल्लाह पाक ने काम भी अच्छे कराए, एक बाया बंदा तो उसकी कोई मन्नत थी वो अल्लाह पाक ने पूरा कराया, तो उसके बाद उसने इस कब्र की 4 दीवारी भी कराई, न्याज भी कराया, तो ये मामला। अच्छा, ये जो वाकया है, क्या जब उनकी तदफीन करी थी उसके बाद उनकी कब्र पे अगर कोई पानी डालता था तो वो फिर ख्वाब में आते थे, ये बिल्कुल सच वाकया है? बिल्कुल सच वाकया है, क्योंकि हम भी छोटे थे उस टाइम तो हम जानबूझ के इस पे पानी डालते थे कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई में जब पानी डाला है दूसरे दिन इनके वालिद साहब आते थे कि यार इस पे पानी नहीं डालो, वो हमारे अब्बा को कहते थे कि यार जब किसी को जो ना पानी डालने नहीं दो, ये मुझे रात में सोने नहीं देता है, कि मुझ पे पानी नहीं डालो, पानी अंदर आता है मैं पड़ रहा होता हूँ नीचे। तो ये तो हमारे कानों देखी आंखों देखी बात है, कानों सुनी आंखों देखी बात है, ये तो हकीकत है।
क्या देखते हैं आपके कब्रिस्तान में जो है ना, और किस तरह के जो है ना वाकयात से आपकी आपका तजुर्बा है, किस तरह की चीज़ें आपने और यहाँ पर देखी, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा जो है वो रिश्ता रहा है कब्रिस्तान से, आपके वालिद भी यहीं पर थे, क्या वाकयात आप और बताएंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये तो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ है। बस अबू पेज अक्सर ये सिपली वाले आते हैं, औरतें भी आती हैं ताबीज़ वगैरह दफनाने, मर्द भी आते हैं, मतलब जिनको पकड़ के फिर हम लोग ताबीज़ निकालते भी हैं, पानी में डालते हैं, ये तो एक नेकी का काम है। देखिए, जो कब्रिस्तानों में ताबीज़ दफनाएगा वो किसी अच्छे काम के लिए तो नहीं दफनाएगा, अगर किसी अच्छे काम के लिए होगा तो अच्छी जगह पे जाएगा। कब्रिस्तान तो खैर अच्छी जगह है, इबरत की जगह है, लेकिन वो यहाँ पे दफनाने का मकसद ये है इसलिए डालते हैं कि वो गलत काम के लिए डालते हैं, किसी को मरवाना हो या किसी की अल्लाह माफ़ करे कोई ज़्यादा कमा रहा है, हम क्यों कम कमा रहे हैं, तो इस तरीके के जो मामलात होते हैं सिपली वाले ये होते हैं। बाकी तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है। अच्छा, इस कब्र से मुंसलिक और कोई आगे जाके कोई मौजा या कोई चीज़ सामने आई फिर? नहीं, इसके अलावा तो खैर ऐसा कोई वाकया, मैंने आपको कहा ना कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। बाकी एक दफ़ा पहले भी मैंने शायद ज़िक्र किया आपसे कि वो एक कब्र खुली थी, तो जब यहाँ पे कच्ची कब्रें थी, भैंसों का बाड़ा था ना, तो कब्र उसकी सिले पे बैठ गई, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो कब्र भी अच्छी खासी पुरानी थी, लेकिन उसमें ये मैंने देखा, मैंने अपने आंखों से देखा कि वो बंदा माशाल्लाह ऐसे ही का ऐसे ही सो रहा था, मतलब ना उसका कफन मेला था ना कुछ, फिर हम लोगों ने उस कब्र को सेट किया, ये वाकया देखा, इसके अलावा तो कोई वाकया यहाँ नहीं हुआ। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये है वो कब्र ज़ुबैर नामी बच्चे की, जिसकी इस वक्त लंबाई जो है वो 12 फीट से भी ज़्यादा है। आप इस कब्र की लंबाई को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहीं से भी एक 12 साल के बच्चे की कब्र नहीं लग रही। इतनी बड़ी कब्र तो किसी आम कदावर शख्स की भी नहीं होती, लेकिन इस वक्त इस कब्र का जो है ना साइज़ देख के, इसकी लंबाई देख कर कोई भी आसानी से हैरान हो जाएगा और कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि ये एक 12 साल के बच्चे की कब्र है। ये है वो दूसरी कब्र जो बताया गया कि 4 से 6 माह जिस बच्चे की उम्र थी और उसका इंतकाल हुआ, और उसकी कब्र जो है वो 4 साल के बच्चे के मुताबिक बनाई गई, क्योंकि उसका कद भी मरने के बाद मुस्तकिल बढ़ रहा था। ये वो कब्र है, आप देख सकते हैं कि इस कब्र की लंबाई भी देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये जो कब्र है ये एक 6 या 4 माह के बच्चे की है। तो इन दोनों कब्रों का ये सेम ही जो है ना वाकया पेश आया है यहाँ पर, और इसकी वजह कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं और इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं होता। बस ये है कि कुछ वजूहात होती हैं अल्लाह ताला की कि वो कुछ चीज़ें अपने बंदों के सामने लाना चाहते हैं ताकि लोग जो है वो कुछ समझ जाएँ, कुछ इबरत हासिल कर लें। बाद में इस कब्र के और भी मौजदात सामने आए जो कि आपको मज़ीद वीडियो में बताए हैं हमने, तो इससे ये साबित होता है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह के करीब होती हैं। और ये तो मासूम थे, ये तो बच्चे थे, और जिस तरह की इस ज़ुबैर नामी बच्चे की ज़िंदगी के बारे में बताया गया कि वो एक मस्त किस्म का बच्चा था, वो किसी आम बच्चों की तरह नहीं था, तो क्या पता वो खुदा का भेजा हुआ कोई मुजाहिद हो, कोई जो है वो नेक इंसान हो जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद उसकी मौत के बाद उसका इस कब्र के साथ उसकी मैयत के साथ इतना बड़ा मौजा पेश आया। नाज़रीन, ये सारे वाकया जो है वो अल्लाह की तरफ से मौजे होते हैं ताकि हम लोग इससे इबरत हासिल करके अपनी ज़िंदगी को, कब्र को और अपनी आखरत को संवार सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।